इख्तितामी जामा पहना दो पहना दो। और वैसे आपके सुनने पर इंहसार करता है, जैसा आप सुनोगे वैसा सुना होगा। मन तो मेरा होगा, मेरे को जैसा इन्होंने मूड बनाया मेरा है। हाय हाय, कुर्बान जाए हम सब भाई पर। इनका ये पेश करना अल्लाह कबूल फरमाए और महशर में नजात का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का, हम भी भागीदार हैं, सुने बराबर है, बहुत ईमानदारी सुना है। अगर आप कट गए लग जाए तो हम लोग को भी ले लीजिए, हम भी किसी के पीछे ही होंगे। पीछे रहने में फायदा। एक साहब हमसे कहना कि हाजर आप लोग तो लोग पीछे पड़े रहते हैं, जिसे देखिए सब आपके पीछे पड़ा, अपने भी पढ़ाए भी बचे क्या, सब आपके पीछे हैं, सैयदों के पीछे पड़े हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं। हमने कहा असल में हम आगे हैं ना, हम आगे हैं तो जो पीछे रहेगा तो पीछे ही रहेगा। वो पीछे इसीलिए है कि हम आगे हैं, इसीलिए पीछे पड़े हैं। तो कभी कोई आपके पीछे पड़ जाए तो खुश हो जाए करो, अपने आप को पीछे समझ रहे हमको आगे समझ रहे। घबराए मत किया करो मुखालिफत से, मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। कसम जमाने जमाने सूरह शुरू हो रही है कसम से, कसम उसके बाद कसम के बाद खबर आई है अल्लाह की जानिब से, पर खबर से पहले कसम। अच्छा कुरान का जो, मैं ये तो नहीं कह सकता कुरान का ये मिजाज है, अगर कुरान का जो पैगाम है वो ये है कि जितने भी बेखबर लोग हैं दुनिया में उनको खबर पहुंचा के बाखबर करना। जितने बेखबर लोग हैं कुरान खबर देता है ताकि वो बेखबर लोग खबर लेकर बाखबर हो जाए। यही है ना कानून, यही तो है मकसद, यही सबब है ना कुरान के नाजिल होने का, बेखबरों को खबर देना। तो जब खबर ही देना मकसूद होता है तो खबर ही देते हैं, कसम क्यों? कसम जब खबर ही देना है तो खबर देते हैं। इस तरह शुरू होती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तब भी बात में वजन था मजबूती थी। अगर वल आसर, वाले कसम है वो भी जमाने की। अच्छा कसम की अपनी खुशियत होती पहले वो समझ लीजिए, याद रखिए कसम हमेशा उसी की याद की जाती है, कसम उसी की खाई जाती है, याद हुआ है कसम को उसी को कसम में शामिल किया जाता है जो खुद मुकद्दस हो, मोहतरम हो, मोतबर हो, मोहतशम हो, मोतबर हो, मोतमद हो, खुद तकद्दस वाली हो, तबर्रुक हो, मुबारक हो, वही कसम में शामिल होता है। कसम छोटे मोटे की नहीं खाई जाती है। कभी सुना किसने कुत्ता कसम खाई, बिल्ली कसम खाई, चूहा कसम खाई? चूहा कसम ने काम नहीं किया, कुत्ता कसम ने काम नहीं किया, क्योंकि छोटे कसम बड़े के लिए आती है। माँ कसम, वालिदैन का वास्ता, अली का वास्ता, सहाबा का वास्ता, अहले बैत का वास्ता, रसूल का वास्ता, यानी बड़े लोगों को कसम में और वास्तव में शामिल किया जाता है। एक कानून यह है कि जो कसम जिसको कसम बनाया जाता है वो खुद मुकद्दस होता है, जिसको कसम में याद किया जाता है वो खुद तकद्दस वाला होता है। उसी को कसम में शामिल किया जाता है, छोटे मोटे कसम खाने किया जाता है पहले, दूसरी दूसरी। जब कोई बड़ी अहम बात करनी होती है, हमें आपको आपको लेकर समझा रहा हूं ताकि समझे आप फार्मूला। आप अगर कोई दिनचर्या में कोई आम बात बोलेंगे तो उसको आम तरीके से पेश करेंगे, लेकिन जब आपकी नजर में कोई ऐसी बात होगी कि इसको मनवाना ही है तो उसमें आप कसम शामिल कर दें। कसम से बात में मजबूती आती है, वजन आता है, बात वजनदारी वाली हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं हजरत से बोलूं सदर इजलास मुन्ना भाई से कि मैं एक तारीख को आऊंगा आपके जलसे में, मैं ही कह रहा हूं एक तारीख को जलसे में आऊंगा,
आपके जलसे में आऊंगा। तो उन्होंने सुन लिया, खबर मिल गई। मगर खबर मिलने के बावजूद उनके दिल में खटका होगा, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ना आए तो कहा तो है आने के लिए, मगर हो सकता ना आए। कह तो रहे थे हमसे बात हुई आने के लिए कि आऊंगा, जरूर आऊंगा जलसे में, उनसे लाल चाहे ना आए तो, फिर इसी में बात कही है। लेकिन इसी बात को अगर इस अंदाज से कहता मुन्ना भाई, खुदा की इज्जत की कसम मैं आऊंगा। अब टेंशन फ्री, अब वो टेंशन फ्री क्यों? क्योंकि हमारा मामला नहीं है, ये जाने का खुदा जाने। अब तो इनको आना ही नहीं आएंगे तो हमारे गुनेगार नहीं, खुदा गुनेगार है। छक मार के आएंगे, रेल छूट जाएगी, फ्लाइट पकड़ के आएंगे, चाहे जैसे आएंगे लिफ्ट की मांग मांग के आएंगे, कसम का भरा, और नहीं तो फिर कफारा था। हमारा टेंशन खत्म, हम निकल गए पिक्चर से। अब कसम और कसम वाला जाने, यानी बात मजबूत हो गई ना, टेंशन फ्री हो गए। यही फार्मूला कुरान में, खबर आ रही है मरवाने वाली, बड़ी अहम वतन पैदा करना था। अल्लाह ने पहले कसम, सुनो कसम जमाने की। अच्छा एक और बात, बीच गुफ्तगु में बोला कसम कसम छोटे मोटे की नहीं खाई जाती, कसम तो बड़ी चीज, मुकद्दस चीज, उसका कोई अपना इतिहास हो, कोई तारीख हो, किसी से मंसूब हो, तो वो कसम आएगी ना, किसी अजीम अजमत वाले से मंसूब हो तो कसम बनने लायक हो। पर यहाँ तो कसम खाई जा रही है जमाने की, जमाने में क्या बात है, जमाने को कसम में शामिल किया गया, जमाने को कसम से याद किया गया, जमाने को कसम में शामिल किया गया, जमाने में क्या हासिल है, जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, जमाना तो एक जमाने से आ रहा है, आदम का जमाना भी जमाना, शीश का जमाना भी जमाना, नूह का जमाना भी जमाना, इलियास का जमाना भी जमाना, इदरीस का जमाना भी जमाना, मुख्तसर आदम से लेकर ईसा तक जमाने तो है, किस जमाने का जमाना। अमा एक जमाना वो था जब जमाने ही नहीं था, वो भी एक जमाना है, वो भी तो एक जमाना होगा जब जमाना ही नहीं था। जैसे हम कहें उस जमाने की बात है जब जमाना ही नहीं था, वो भी तो कोई जमाना है। तो जमाना तो जमाने से आ रहा है, जमाने क्या खुशूसियत, ये कैसे मुकद्दस हो गया, ये मोतबर कैसे हो गया, यही मैं रखकर रुक गया हूँ। वह नस अभी आगे बढ़नी है, वह नस कसम, कसम इसका मतलब आगे वाली बात अहमियत वाली है, पर कसम में जो है वो उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या अहमियत है, बल आसर कसम जमाने की। तब जब हमको जमाने ने ठहरा दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, तो फिर हम इसी जमाने में घुस गए, घुस गए और जानने की कोशिश करने लगे कि जमाने की बात हो रही है, ये ऐसा कौन सा जमाना है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कसम में शामिल करे, किस जमाने की बात हो रही है। जब तफसीर खंगाली तो पता चला, अल्लाह फरमाता है महबूब ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में तुम हो, ज़हन देना चाहता हूं, जिस जमाने में तुम हो ये उस जमाने को अल्लाह कसम बना दे, इतना मोहतरम मुकद्दस बना दे। खासियत क्या थी, जमाना चला आ रहा था, जमाने को तुम मिल गए, जमाना चला आ रहा था मगर जमाने को तुम मिले, वो कसम बन जाए। हमें जब खुदा के रसूल से जमाना मिल जाए, जमाना तो उसकी अजमत का यह आलम है, तो रसूल के घराना, हमें रसूल का जमाने का यह आलम कि वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, तो रसूल के घराने को देखो वो कुरान का साथी बनकर चमक रहा है। जमाने का ये आलम है जो सिर्फ लगा है नबी के दौर से मिला है, जमाने का ये आलम है। और घराना तो नबी से शुरू हुआ उसका आलम क्या हुआ, पता चला कि नबी का जमाना इतना मोतबर है कि वो कुरान में सिर्फ ऐसे ही मजबूर नहीं हुआ है, कसम बन के चमक रहा है। अल असर कसम जमाने की, उस जमाने की जिसमें मेरा नबी है। हमें नबी को अपनी तरह समझने वालों, हमें उनके जमाने के बराबर नहीं हो सकते, तुम उस जमाने के बराबर नहीं हो सकते जिस जमाने को कुरान में कसम बना दिया जाए। नबी को
को पिता समझते हैं, नबी को अपनी तरह। मैं हजरत की दुआओं लेकर एक बहुत जुरतमंदाना चैलेंज कर रहा हूं, और जो है नबी को अपने बराबर या अपनी तरह। बड़ा भाई ऐसा समझते हैं, नबी की हम शरीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मैं चैलेंज देता हूं, नबी तो नबी मेरे बराबर होकर दिखाओ, हमारे बराबर होकर दिखाओ, पहले हमसे आके पंगा ले, वहां कहां पहुंच गया, वो तो नबी है नबी, अभी जिंदा हम सभी हैं सभी, नबी के बराबर कैसे हो सकते हो, हमसे तो मिलो, भिटाओ भैया कभी हमसे भी, लाओ अपनी हैसियत अपनी हकीकत, हम पेश करते अपनी हकीकत, हमारे बराबर होकर दिखाओ, पहले हमसे तो हम सही करके देखो, हमको ओवरटेक करके देखो भाई, तुम्हारी गाड़ी कभी कब चेक करेगी, ओवरटेक कर हमारे पर, तुम्हारी सिचुएशन ये साहब, सबको कह लेंगे सबको, आप लोग तो खैर नबी सुबह अपना हमको समझते हैं, सरकार मुख्तार मौला मुख्तार कायनात है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक कम पच्चीस चार सौ बीस शागिर्दे इब्लीस सराबा खलीस, मैं तो इनसे बेटा समझता हूँ हगीज, काम तो आता है कम से कम, अरे काम तो आता है, हर घर में मौजूद है, लेकिन तो हमारे घर में नहीं आ सकते, हगीज हमारे वहां रहेगा, अहले हदीस नहीं, नारे तकबीर, और ये पैगाम भी है, नारे रिसालत, तेरी सिचुएशन ये है, अगर तुम अमीर हो जाओ तो ज़कात दो, गरीब हो जाओ तो ज़कात दो, ये तुम्हारी कंडीशन है, ये तुम्हारी हैसियत है, अमीर हो जाओगे ज़कात दोगे कि नहीं दोगे भाई, और गरीब हो गए खुदा ना खास्ता बुरे हालात आ गए और कोई ज़कात देगा तो लोगों की नहीं ले सकते हो ना, शरीयत का ऑर्डर है, हुकूमत कोई बना ही कहीं से कोई वर्जित वर्जित नहीं है ना, हमसे आगे मिलो, हमसे नबी को अपने का समझने वाले हमसे मिलो, हम अमीर हो जाए ज़कात देंगे, ज़कात देंगे, और गरीब हो जाए नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ज़कात माल का मैल, ज़कात माल का मैल, और हम ताहिर की औलाद, हम ताहिरा आबिदा राकिया साजिदा मुतहरा की औलाद, अहले बैत अतहार जिनको कुरान करे पाक साफ, जिनकी रिज से दूरी का ऐलान खुदा करे, उनको मैल दोगे, वो भी माल का मैल, पता नहीं कैसे कैसे कमाए माल, खुद ही मैला है, फिर उसका भी मैल दोगे, तो सैयदों को अल्लाह ने इस मैल से पाक कर रखा है, मैल तुम लोग खाओ, गरीब हो जाओ तो खाओ, अमीर हो जाओ तो खिलाओ, मुसलमान भाइयों को तुम्हारी हैसियत ये है कि अमीर हो जाओ तो लोगे, गरीब हो जाओ तो लोगे, हाँ अमीर होगा तो बांटेंगे, नाना सबका खाओ, लेकिन अगर हम गरीब हो गए तो ना ज़कात ना सदका ना फितरा ना भी नहीं, क्यों, क्योंकि नूर नूरी नूरी पाक ताहिर, तो नबी को अपनी तरह समझने वालों हमारी तरह तो होंगे, ले दम है तो ज़कात ना ले, मैं ज़कात पे मदरसा चलाने वाला, ज़कात पे इंटरनेशनल तंजीम चलाने वाला, ज़कात पे अपने बच्चों को पालने वाले हो, ज़कात ले ले कोठी तैयार करने वाले नबी के बराबर होने गए हो, मेरे बराबर होकर देखा, अबे जब तू जुमला देता हूँ दिक्कत तेरे को कैच करते हो, जब तुम लोग सैयदों की ज़कात के बराबर नहीं हो सकते तो सैयदों की औकात के बराबर कैसे हो सकते हो, नबी रे हुजूर मुहद्दिस
डिसिप्लिन बजने वाला, इसी पे ईमानदारी से अमल करो कि जहां जहां आले रसूल का मामला होगा वो चीज हम छोड़ देंगे, जहां जहां जिक्र आले रसूल होगा वो चीज हम छोड़ देंगे। तो उस तरह हो ना, अगर बुक्स है तो खुल के करो, नफरत है तो खुल्ला खुल्ला होने चाहिए ना, ये कैसी बात है। जिंदगी पर हमसे नफरत, हमारे पीछे पड़े हो कि हमारे खिलाफ फतवे लगे, तुमको लग रहे कोई नहीं मिला तो हमारे खिलाफ चालू दुश्मनी, तो जब इतनी अच्छा हमसे दुश्मनी भी है, देखो दुबलापन, हमसे दुश्मनी भी करेंगे और मस्जिद में जाके हमारे ऊपर जरूर भेजेंगे। दम है तो यहाँ से निकाल, नमाज ही नहीं, नमाज से दुरूद निकाल या खुद से नमाज निकाल, नमाज की दावत देने वाले दोगले हो तुम। हमें नमाज तब तक कबूल ही नहीं होती जब तक नाना और हम लोगों पर दुरूद ना भेजा जाए। और खानदानी दुरूद है, बनी इब्राहिम, जितने बनी इसराइल के औलाद सबको दिया जा रहा है, आले इब्राहिम, वो याकूब, यूसुफ, अय्यूब सब आ गए, फिर आले मोहम्मद, अभी तक सिलसिला जारी, कयामत तक दुरूद। दोगला पर है कि नहीं? अरे एक ही जगह हम दोगला पर नहीं है, एक ही जगह नहीं है, ये तो चलो आगे, हमसे हमसे नफरत और हम ही पे। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा सल्लैत अला फिर कहते हैं जगह सैयद कैसे हो गए, इतने सैयद कैसे हो गए, सैयद तो अरब में थे, यहाँ कहा गली गली सैयद, हम कहते दुआ दे तो होंगे नहीं, होंगे नहीं, अल्लाह मुबारक, अल्लाह बरकत दे, बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, बोलो बरकत, और तुम्हारी सुन रहा होगा मगर तुम्हें अल्लाह का मुकर्रम बनता यही दुआ कर रहा है, हरी नवाज भी यही दुआ कर रहे हैं, गौसे आजम यही दुआ कर रहे हैं, मक्तूम अशरफ यही दुआ कर रहे हैं, शहबाज यही दुआ कर रहे हैं, चालाक चाचन यही दुआ कर रहे हैं, कबूल नहीं होगी, नहीं होगी, हमें वो तो कहो आफियत से गली गली जगह जगह है, जब सब दुआ हो रही है दूसरा आदमी सही है, लेकिन लेकिन दुआ भी तुम दो हमको और बुक्स भी रखो, हमसे रखो, ये दोगला पढ़, एक और दोगला सुन लिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूरी पूरी आयत पढ़ी, आयत पूरी सूरह पढ़ी, मैंने आयत नहीं पूरी सूरह पढ़ी, बात दोगले बन गई आगे, पहला दोगला बन गया, हमारे खिलाफ भी है हमको दुआ भी दे रहे हैं। दूसरा देखिए, हम लोगों को वो लोग बोलते हैं, हम तमाम ही हजरात समझ में स्टेज पर बैठे हैं आपके सब, कि हम लोग मुशरिक हैं, मुशरिक शिर्क करते हैं, शिर्क, मजार पे जाना शिर्क, महफिल इमाम बैठना शिर्क, उर्स शिर्क, शिर्क चादर शिर्क, शिर्क चूमना शिर्क, शिर्क। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं कौन से इनके पास मशीन है साहब, पता नहीं कौन सा ऐसा फैज है जहाँ शिर्क नहीं करते, कुछ भी डालो शमीरा शिर्क, शिर्क अच्छा शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं, हमको कहते हैं हम लोग शिर्क, लोग शिर्क करते हैं, बिदा हराम, बिदा शिर्क, शिर्क ये उनका फतवा। अब सुनिए उनका तकवा, सुनिए क्या फतवा, ये कि ये सब मुशरिक है, सब ये सब, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत खुद माद अल्लाह बाहर हो जाऊंगा, नकल कुछ कुछ ना पास, हम सब शिर्क करते हैं, तो शिर्क करने वाला मुशरिक, किसी पर अमल करना चाहिए ना, हमको मुशरिक समझे, फिर हमको मुशरिक समझे, अगर मुशरिक शिर्क करने वाला मुशरिक है तो हम मुशरिक हुए, तो हमारे पीछे नमाज कायम होना चाहिए, हमारे पीछे नमाज, हम मुशरिक भी हम इमाम भी, गहरे नहीं उतरे, जैसे जैसे मुस्लिम के अलावा जितने भी अधियान है वो सब मुस्लिम, ये अलग हुनून है, दो तीन लोग छोड़ कर जो मुस्लिम नहीं करते, ऐसे यहूदी लोग शिर्क नहीं करते मगर काफिर, ये मुस्लिम जो है नाम ले ले राम किशोर, राम किशोर, ये मोतीलाल, ये मुस्लिम है कि नहीं, मुस्लिम है, मुस्लिम है, इनके पीछे नमाज पढ़ो, ये तो पढ़ते हैं, हम शिर्क भी करते हैं, हम इनकी नजर मुशरिक भी हो जाए और हमारे पीछे पीछे इसी मामले क्या दोगला पाना है, हमें जो कहते हो कम से कम उस पर तो ईमानदारी से रहो, अपने ही फिर के साथ वफादारी करो, ये क्या पागल पड़ा, हमें देखिए एक बार तुमको मतलब कह दिया 100 साल पहले हमारे इमाम ने, आज तक तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ा,
बहुत अच्छे हमारे दुबलापन ने बोल दिया बात मत कहा गेट आउट गो टू हेल हेल गो वेयर आर यू वांट टू गो यू कैन गो गो में बल्कि एक और जीरो लगा दो एक और जी ओ गो जी ओ ओ गू हमें डबल ओ लगा दोगे तो गू हो जाएगा ये है इनका दुर्गापन हमेशा इनसे होशियार रही बड़े मकार रही ये पता पीछे क्यों आते पहले या तो हम मुस्लिम नहीं है इसका या तो हम मुस्लिम नहीं है या तो झूठ बोल रहे हैं मकारी तुम्हारे मन में मकार तुम या तो मकार है तो हम सच्चे हम मुस्लिम भी है तुम्हारे मान भी है ये इसलिए करते हैं खुलकर इसलिए तलवार नहीं चलाते कि शुरू से ही इनके पीछे एकदम से हट जाएंगे तो इनकी मस्जिद में दाखिल कैसे होंगे कैसे फिर इनकी इमामत छीनेंगे कैसे फिर इनको अपने रंग में लाएंगे कैसे ये सारा हर बार मकारी शुरू कर चलो हो सकता है एक एक चीज अपने बचने के लिए कर सकते हैं और वहां की ताकत देते हो कि ठीक है तुम्हारा पीछे नमाज नहीं पड़ेगा तुम मुस्लिम हो पर तुमको अपने पीछे पढ़ा के इमाम हम बनेंगे तो इमाम हम है ना तुम लोग हमारे पीछे पीछे सारे बिदती है मुस्लिम की हमारे पीछे हम तो हम किसी के पीछे नहीं है पढ़ो पढ़ो मसला नहीं आता होगा इसलिए मसला ये है कि जो भी मुस्लिम है इतने भी दुनिया में उनको अपनी इक्तदा में लेना भी सुविधा है कुफ्र है मुस्लिम को भी मुस्लिम को अपनी इक्तदा में लेना अपने उनको अपना मुक्तदी बनाना भी कुफ्र है जो ना तुम हमसे आगे हो के बच रहे हो ना पीछे हो गए ज्यादा आगे पीछे ना हो लोग के आगे पीछे ना अपना काम करो दोगलापन किनारे रखो हमारे बीच में मत हम तुम्हारे बीच में जाते हैं हमें हमें मालूम रहता है उनकी हम लोग कट लेते हैं उनकी हजरत उनकी मस्जिद है हम लोग इधर और ये अच्छा इनकी कौन कौन सी बताओ ये इस पे कब्जा करना है कैसे झूठ बोल रहे इनको पहले डराएंगे फिर इनके आगे हो जाएंगे फिर कह देंगे हम लोग कलमा को कलमा गो भी हम हैं मिश्री भी हम हैं इमाम समझ में आता है क्लियर करो हमारे सिचुएशन हम करने वाले भी हैं शिर्क वाले भी बिदती भी बिदती भी अच्छा बिदत किसे कहते हैं बिदत कहते हैं हम बोलते हैं नया काम नबी के दौर में नहीं हुआ नई चीज बिदत कहते हैं बिदा नई चीज बिदत है ना बिदत अब इनसे खुद पूछो कि तुम्हारी जमात नहीं है हमारी हमारी तुम लोग नए हो यहाँ तुम 200 साल पहले आए हम लोग चले आ रहे हैं 14 साल से तो हम नए कि तू नए कि तू नए कि वो नए नया नया कौन है 200 साल पुराना वाला नया कि 1400 साल पुराना वाला नया बोलिए 1400 200 साल वाला नया हुआ ना लेटेस्ट 200 साल वाला 1400 वाला तो कदीम है पुराने हैं नए कौन और हर नई चीज बिदत तो हम बिदत की तुम बिदत की हम नया तुम नया तुम्हारा इतिहास नया कि हमारा इतिहास नया जो नया बिदती हुआ ना कमाल के बाद खुद बिदती होकर हमें बिदती कहते हैं उल्टा झूठ बहुत बात बढ़ा दे दोगला पर बता के इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग होशियार रहे इनकी मीठी मीठी बातों में झूठी की दलीलों में कान ना धरे बल्कि कान में धरे अरे सुनना ही नहीं हम लोग को कहाँ दलील आता है हमको दलील देना नहीं दलील करना आता है आप लोग की बात कर रहे हैं कसम जमाने अब खबर आ रही भाई साहब खबर अब आ रही है मतलब कसम था और उस जमाने कसम जिस जमाने को नबी ने पाया क्या बात हमें नबी जिस शहर में चल जाए उसकी कसम खाई जाती है ला उक्सिमु बिहादल बलद वलन नहिलु बिहादल बलद कसम उस शहर जिसमें नबी आप चले चले मैं नबी को अपने बराबर कैसे मान सकता नबी मक्के में चल जाए तो कसम बन जाए नबी को जो जमाना मिल जाए वो कसम बन जाए हमें नबी को मिल जाए तो कसम बन जाए हम लोग तो नबी से निकले से हमारी तो शुरुआत हमारी बुनियाद ही नबी से नबी आले रसूल हमारा क्या आलम होगा हमने बोला ना वो कसम बन के चमक रहा तो हम साथी बन के चमक रहे नहीं रसूल पाक फरमाया तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहे हो दो भारी चीज दोनों मजबूती पकड़े रहना मजबूती से पकड़ रहना कभी गुमराह नहीं होगा एक कुरान एक खानदान तो ना हम कुरान छोड़ेंगे ना खानदान छोड़ेंगे इनको तोड़ेंगे जो छोड़ाने आएगा अब आप आइए बात सुनिए पैगाम अब आ रहा है पैगाम ये है बेशक बेशक इंसान इंसान घाटे में घाटे में पैगाम ये है और ये हल्की फुल्की बात नहीं है पहले कसम है
सुन लो कसम जमाने की, ए हजरत इंसान घाटे में हो, घाटे में इंसान होने के बावजूद घाटे में, घाटे में जी जी अशफुल मखलूकात हम घाटे में, तमाम मखलूक में सबसे अफजल हम, फरिश्तों से अफजल हम घाटे में, नबूवत का ताज हमारे में, हमारे में रिसालत का ताज हम लोग, खिलाफत हमारी तरफ, विलायत हमारी तरफ, इमामत हमारी तरफ, सदाकत हमारी तरफ, अदालत का ताज हम पहने, नबूवत रिसालत अदालत सदाकत शुजाअत इमामत विलायत शरीयत तरीकत हकीकत मारिफत ये हमारे लिए, और हम घाटे में, घाटे में और सब मखलूकात का ताज पहनाया भी गया घाटे में, पहनाया क्यों और पहनाया तो घाटे में क्यों, सवाल उठता है, एक सवाल उठ रहा ना, पहनाया तो फिर घाटे में, सबसे अफजल पहनाया फिर घाटे में, घाटे में और मुतलकन कहा जा रहा है नल इंसान, जितने इंसान जितने एक्स वाई जेड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सब घाटे में, घाटे में बताइए बताइए, दिन रात हम कोशिश करते हैं, हम लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि पार्टी का सौदा हो जाए, कामयाबी की तरफ गामजन हो जाए, कामयाब होने के लिए पूरी दुनिया एक दूसरे से लोहा ले रही, वो कह रहा हम कामयाब, कह रहा हम कामयाब, कह रहा हम चांद पे पहुंच कामयाब हो गए, कह रहा हम पहुंचने वाले हैं, कह रहा हम पहुंच चुके हैं, कोई साइंटिस्ट बन रहा है भाई कामयाब हो जाए घाटे में ना रहे, कोई वकील बन रहे वकील क्यों बनते हो कामयाबी के लिए, जज क्यों बन रहे हो कामयाबी के लिए, डॉक्टर क्यों बन रहे हो कामयाबी के लिए, साइंटिस्ट कामयाबी के लिए, आलिम क्यों बन रहे हो कामयाबी के लिए, जितनी कुछ जो 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 कुछ तुम अचीव कर रहे हो पूछा जा किस चीज के लिए कर रहे हो कामयाबी के लिए, तिजारत क्यों कर रहे हो बिजनेसमैन क्यों बन रहे हो ताकि कामयाबी मिले, ये आपने कामयाबी का स्टेटस स्टैंडर्ड रखा है, कामयाबी मतलब जज होना, कामयाबी मतलब डीएम होना, कलर होना, मजिस्ट्रेट होना, सीएम होना, पीएम होना, कहा हो रहा है ताकि कामयाब लोगों में हमारा मंगलयान बन रहा है, कहा ले जा रहे हो मंगल पर क्या कर रहे हैं ताकि कामयाब, कामयाब चंद्रयान वहां जाकर गाड़ दिया कहा के लिए ताकि कामयाबी, कामयाबी ले, हमने कुरान से पूछा इस पर रखकर हवाला कि वो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो चांद पे जाके आ चुका है जाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग कामयाब नहीं है, कुरान बोला घाटे में, घाटे में क्या बात है, वाह वाह सब घाटे में, घाटे में हाँ घाटे में, अरे अरे रगड़ रगड़ के घिस घिस के पढ़ा आई क्रैक किया है, घाटे में, घाटे में, अरे अंबानी मर गए अंबानी घाटे में, अडानी घाटे में, घाटे में, ललित ललित मोदी मोदी घाटे में, घाटे में, नीरव नीरव मोदी मोदी घाटे में, घाटे में, विजय विजय माल्या माल्या घाटे में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं गिरवान पकड़ लूँ कुरान कह रहा हूँ सब घाटे में, सब घाटे में, घाटे में, अरे चांद पर पहुंच गए, अरे कुरान देख नहीं रहा चांद पर पहुंच गए अभी भी घाटे में, घाटे में, अरे कुरान तो कुरान हमने चांद से पूछ लिया आलम ख्याल में, हमें तुम बताओ तुम तक लोग पहुंच गए अभी भी घाटे में, चांद भी हंस के जवाब दे रहे मेरे पास आ रहे घाटे में, मेरे पास आ रहे काम घाटे में, मेरे पास इसलिए आ रहे ताकि मुल्क में इनकी कामयाबी का ठटका बने, हमें कामयाबी याद हो रही है, चांद ने जवाब दिया नादान समझानी सुन और इनको बता दे अगर कामयाब होना है तो चांद तक पहुंचना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दर से मिलेगी कि जिनके इशारे में मैं चांद होकर टूट जाया करता था, चांद ने कहा मियां सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मानी अली मौला अली अब्दुल्लाह इब्ने मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्ने अबू बकर अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर ज़ुबैर तहा सईद अबी वक्का ये सब 40 साल बाद जाने हैं, क्या बात है वाह वाह, उनकी शान को उनकी नबूवत का तस्लीम 40 साल बाद, हमसे पूछो हमसे, हम तो उस वक्त भी फिदा थे जब वो झूले में, क्या बात है वाह, झूले में लेकर इशारा करते थे
उंगलियां दाएं तरफ जाती थी, मैं दाएं तरफ हो जाता था, बाएं तरफ जाती थी, मैं बाएं तरफ हो जाता था। कामयाबी तो वहां है, यहां कहां चले आए। लेकिन सवाल तो खड़ा भाई साहब, इतनी मेहनत करने के बाद घाटे में भी फायदा किधर है? अरे आए हैं तो फायदा भी तो बताना चाहिए ना, किधर है? इतना सब कुछ हो गए, पैसा लेके दूसरे मुंगी भाग के वहाँ मेले बना के रह रहे हैं घाटे में। कोई 12,000 रुपया देके भागा, कोई 9,000 रुपया देके भागा, न सुई छोड़ा न धागा, खाली भागा। और उनको लग रहा हम कामयाब, घाटे में सब घाटे में, फायदा किधर? कुरान जवाब देगा ना, तो कुरान तू जवाब दे, फायदा किधर? किसी अगली आयत में फायदा है। पहले सुनिए, इतना इंसान लफी खुश, बेशक इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर बोलो, मगर बोलो जो ईमान वाले हैं, वामिलुस सालिहात अमल वाले हैं, वतवासौ बिलहक हक वाले, हक की वसीयत करने वाले, हक की तलकीन करने वाले, हर हाल में चाहे जैसा हाल हो जाए, ऐसा हाल हो जाए, इससे बड़ा बुरा हाल हो जाए, हक पर है, हक पर रहते हैं, वतवासौ बिलसब्र सब्र वाले हैं। ये चार जिनके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये चार सॉफ्टवेयर जिसने इंस्टॉल कर लिया वही फायदे में, बाकी सब घाटे। वो लोग जो ईमान वाले, कुर्बान जाओ ईमान वालों, एक तो तुमसे अल्लाह मुखातब भी हो रहा है ईमान वालों, और तुमको एड्रेस भी दे रहा है, यही फायदा है, यही कायदा है। ईमान लाओ, ईमान के मुताबिक अमल करो, ईमान अमल के साथ हक पर रहो, और ईमान और अमल और हक पर रहता सबर करो, तो फिर कामयाबी है, फिर अल्लाह आपके साथ। मगर पहले हमें समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज द ईमान, ईमान एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय द सालिहात, क्या बात है वाह, एंड व्हाट इज द सिचुएशन एंड कंडीशन एंड रियलिटी ऑफ द हक, और किस हाल में रहा जाता है, किस हाल में सब्र को कबूल किया जाता है। आप सुन लो, हर सब्र नहीं कबूल होता, आपका सोच हर साहब के साथ, हर साहब के साथ अल्लाह ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तरतीब बता रही है कि सबसे पहले हक है, हक पर होना पड़ेगा, और हक हर हक पर रहने वाला भी कामयाब नहीं, उससे पहले अमल है, हर अच्छा अमल करने वाला भी कामयाब नहीं, उससे पहले ईमान है, पहले ईमान, फिर अमल, फिर हक, फिर सब, हर साहब भी कामयाब नहीं है। अब पूछेंगे हो कैसे, कुरान कहता है इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब बताइए, मैं एक साबिर मिसाल आपको देता हूँ।